सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जब से वार्ड नंबर 9 के चुनाव हुए हैं और उसमें भाजपा उम्मीदवार की हुई हार के बाद चुनाव में हार का ठीकरा पार्टी के नेता एक दूसरे पर फोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले शहर में ये चर्चा हुई कि जिला प्रधान व वार्ड नंबर 9 से भाजपा के उम्मीदवार रहे श्री नरेंद्र नागपाल द्वारा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को इस हार का जिम्मेवार ठहराते हुए युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद युवा मोर्चा के जिला प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी द्वारा यहां के ईगल होटल में युवा मोर्चा का इकट्ठ करके दिखाया गया कि वो आज भी युवा मोर्चा के प्रधान रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जब न्यूज 89 ने इस सारे मसले पर पंजाब भाजपा के प्रधान श्री विजय सापला जी से बात की तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ करते हुए कहा कि युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को ऐसे रद्द नहीं किया जा सकता। भाजपा कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी के कुछ नियम भी हैं। आइए आपको सुनाते हैं पंजाब भाजपा के प्रधान श्री विजय सापला ने संपादक न्यूज 89 से क्या कहा। हेलो विजय सापला जी, नमस्कार। संदीप चौधरी बोल रहे जी, न्यूज 89 तो जी। जी एक वर्षन लेनी थी कि वार्ड नंबर 9 च जब चुनाव होया उत्थे जेड़ी हार हुई है उसी च नागपाल जी ने जेड़ा जिम्मेवार ठहराया वो युवा मोर्चा नू ठहराया राजपुरे जी, इन्हां ने मेरा साथ नहीं दिता। ते उस तो बाद मतलब ये राजपुर चर्चा भी हुई है भी इन्हां ने जेड़ी कार्यकारिणी भंग करती। मैं तुहानू यही पुछना चाहना भी क्या कार्यकारिणी जिला प्रधान भंग किसी नू भी भंगां दा बनाउण दा अधिकार किसी नू नहीं, उह साडे कोल अधिकार आ और इस लई किसी ने भी भंग करना किसी की कंप्लेंट देनी और सानू देनी और जिहड़ी है एक सिस्टम है कि साडे डिसिप्लिनरी कमेटी नू जाएगा और डिसीजन देगा। इस करके किसी को भी किसी ने भी भंग करने का कोई अधिकार नहीं। इस करके इस तरह किसी का भी पार्टियां हवा दे विच नहीं चलदियां। ठीक है सर। कोई किसी को भी भंग करने का अधिकार नहीं। अब आपने देखा कि पंजाब भाजपा के प्रधान श्री विजय सापला ने क्या कहा, मगर यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि जिला प्रधान व जिला युवा मोर्चा के प्रधान की चल रही खींचा तान में पार्टी को नुकसान तो हो ही रहा है, मगर पार्टी के बड़े नेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं को चाहिए कि इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत करवा इस मामले का जल्द हल किया जाए। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।